In this question, we have to show that the lines 2x plus 3y plus 11 equals 0 and 2x minus 2y minus 1 equals 0 are the conjugate with respect to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y minus 12 equals to 0. Okay, so our first lines kya hai? 2x plus 3y plus 11 equals 0 and 2x minus 2y minus 1 equals 0. These lines are conjugate with respect to this circle. So if two lines are, let's suppose this line L1x plus M1y plus N1 equals 0 and L2x plus M2y plus N2 equals 0 are conjugate with respect to the circle x square plus y square equals to r square. Iska center hai zero origin and radius is r square. So, the condition hoti hai hamare paas, important condition kya hoti hai? If these two lines are conjugate with respect to this circle whose center is origin and radius is r, the condition hoti hai r square into l1 l2 plus m1 m2 is equals to n1 n2 hoti hai hamare paas. To hamare paas hamari equation mein circle kya hai, iska center kya origin nahi hai. To iska center origin banane ke liye hum kya karenge, x square kya hai hamare paas, सर्कल की इक्वेशन के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो यहां से इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सो सेंटर हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉमा माइनस 3. तो सर्कल को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1. लेट सपोज कैपिटल x इक्वल्स टू x प्लस 2 का कैपिटल x रखते हैं एंड कैपिटल y को रखते हैं y प्लस 3. तो यहां से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो इसका हमारे पास सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन एंड रेडियस इज 1, रेडियस 1 हो गई. सो इक्वेशन ऑफ लाइंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल x और कैपिटल y में कन्वर्ट करेंगे. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थे हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू सॉरी प्लस 11 इक्वल्स टू 0. तो कैपिटल x क्या हो जाएगा, हो जाएगा x स्मॉल x प्लस 2. तो स्मॉल x की वैल्यू क्या है, कैपिटल x माइनस 2 इसमें रखेंगे. तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 इनटू कैपिटल x माइनस 4 प्लस 3 इनटू स्मॉल y को क्या रखेंगे, कैपिटल y माइनस 3. तो जाएगा 3 कैपिटल y माइनस 9 प्लस 11 इक्वल्स टू 0. तो ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारे पास. सो दिस विल बिकम माइनस 2 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे पास. सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो 2 इनटू कैप स्मॉल x इज कैपिटल x माइनस 2. तो ये आ जाएगा 2 कैपिटल x माइनस 4 माइनस 2 स्मॉल y इज कैपिटल y माइनस 3. तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इनटू कैपिटल y प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन सेकंड. अब इसमें हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे कि व्हेन टू लाइंस आर कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहां से इक्वेशन के क्या होते हैं कंडीशन, हमारे पास इफ टू लाइंस आर कंजुगेट टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल इज r स्क्वायर इनटू l1 l2 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू n1 n2 n1 into n2. तो r स्क्वायर क्या होगी, इसकी सर्कल की रेडियस क्या है, r इज 1. तो r स्क्वायर हो जाएगा 1 into l1 l2 के, l1 इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लाइन, x कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस लाइन. तो हो जाएगा 2 into l2 इज x कोएफिशिएंट ऑफ दिस लाइन, दिस इज 2 प्लस m1 क्या है हमारे पास, इसका y कोएफिशिएंट, इसका y कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 3 3 y कोएफिशिएंट ऑफ m2 इज y कोएफिशिएंट ऑफ दिस लाइन इज माइनस 2, दिस इज इक्वल टू n1 n2. ये सेटिस्फाई करना चाहिए, n1 n2 n1 इज माइनस 2 और n2 क्या है प्लस 1. तो यहां से इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 6 और दिस इक्वल टू माइनस 2 इनटू 1 इज माइनस 2. तो यहां से क्या आ गया, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 नीचे सेटिस्फाई कर रहा है. तो वी कैन से दैट दिस टू लाइंस आर कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0. ओके, सो ये लाइन क्या है हमारे पास, कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.